चर्चा प्रारंभ होत सुनो साथ चीत दी राज श्यामा श्री प्राण सखी जीवन हमारे सखी जीवन हमारे श्री महामती कहे ए मोमिनो भया चर्चा का अब तुम सुनियो चित दे लाल आगे आए बैठे इन तखत लाल आगे आए बैठे इन तखत बोले श्री प्राणनाथ प्यारे थाना था पिद्धपुर में केवभटट के घर धाम चर्च नित हो वही, साथ रहिया पकार साथ रहिया पकार थाना था सिद्धपुर में प्रणाधार आत्म संबंधी धाम धनी के प्यारे एवं लाडले सुंदर शाह जी जिनके दिव्य तन परात्म तन मूल मिलावा में विराजमान है एवं ऐसे एव, परात्म के प्रतिबिंब स्वरूप सर्व सुंदर सात के चरणों में, में मेरा कोटि कोटि दंडवत प्रणाम प्राणाधार सुंदर सा जी कल के प्रसंग में हमने सूरत शहर के अंतिम प्रसंगों में हमने देखा कि बिहार जी महाराज ने जामनगर नौतनपुरी से जो तीन नियम भेजे उसका जो वापस जो पत्र लिख कर श्री जी ने भेजा इस पत्र में लिखा के हे बिहार जी महाराज हे धाम धनी आपके तीन नियमों से तो कोई जागनी होने की संभव ही नहीं है पहला नियम लिखा था कि नीच जाति को तारतम नहीं देना विधवा स्त्री को नहीं और तीसरा नियम मेरे और तुम्हारे बिना किसी को तारतम नहीं देना तो कल के प्रसंग में हमने समझा पूरा विस्तार से कि जाति पाति के भेदभाव तो सतगुरु के टाइम पे धनी देवचंद्र जी ने सतगुरु धनी देवचंद्र जी ने उस टाइम पे ही मिटा दिया था कि कोई भी जाति हो वो जन्म के आधार पर नहीं लेकिन कर्म के आधार पर मानी जाती है और कोई भी वर्ण या जाति में भगवान के भक्त प्रकट हो और उसके अंदर परमधाम की आत्मा हो या कोई भी परमधाम के या गुण स्वभाव के या कर्म के आधार पर उसे उच्च नीच नहीं गिना जाता उसमें बस तारतम की शुद्ध दी जाती और तारतम की पहचान कराई जाती तो ये बात कल हमने सुंदरसा जी कल के प्रसंग में सुना और भी विधवा स्त्री को नहीं देना तो यह भी हमने कल सुना के जो खोजी बाई की एक मुस्लिम महिला थी जो रास्ते पर जा रही थी वहाँ से सतगुरु ने अंदर बुलाया और रई बाई की वासना पर की और तीसरा कहा कि मेरे और तुम्हारे बिना किसी तीसरे कोई किसी को तारतम नहीं दे सकता तो श्री जी ने बताया कि मैं और तुम कहाँ तक ये वाणी का प्रचार प्रसार करते रहेंगे कहाँ तक हम तुम इस पूरे संसार में ये ज्ञान का प्रचार कर सकेंगे ये तो जिनको पोचे तारतम सोई करे रोशन जिनको जिनको ये तारतम की जिस जिस सुंदर सात को ये तारतम की जिस जिस आत्माओं को ये तारतम की पहचान होती जाएगी वो पूरे संसार में फैलाव करेगा सुंदर सा जी ये सुखदेव में ब्रह्म सृष्टि को तो में अंगना नार पियाए जगाए मोह एकली में जगाऊ बांधे जूथ जो ये इंद्रावती का एक नारा है एक संदेश है तो वही संदेश हमारा है कि यहाँ ऐसा वाणी में कोई जगह नहीं लिखा कि भाई धामधनी जो गादीपति अक्षरातीत बनकर जो बिहारी जी महाराज बैठे हैं तो वही सिर्फ एक और एक मिहारी बिहारी जी, जी महाराज ने बोला कि मिराज एक तुम दे सकते हो ऐसा कहीं वाणी में नहीं लिखा जो जि, जिस जिस सुंदर साथ को ये ब्रह्म ज्ञान की पहचान हो वो, वो सब सुंदर साथ तारतम की पहचान करा सकता तारतम मतलब छ चौपाई या एक चौपाई नहीं के पहले जो तारतम उतरा निज नाम श्री कृष्ण जी अनादि अक्षरातीत जो बीज मंत्र तारतम मंत्र उतरा एक चौपाई तारतम नहीं कहा जाता यह छः चौपाई जो अंतिम पांच चौपाई महामती के धाम दिल से उतरी सुंदर साज जी उसमें चार चौपाई देवबंदर में और अंतिम चौपाई अनूप शहर में उतरी तो यह छः चौपाई वाला तारतम नहीं यहाँ तारतम तो अठारह हजार सात सौ अठावन चौपाई को कहा गया और तारतम का भी तारतम इंद्रावती अंग विस्तार पहिया देखा या पार का वली पार के भी पार तो तारतम का तारतम क्या कहा गया सुंदर सा जी यहाँ के खिलवत परिक्रमा सागर श्रृंगार की सिंधी मार्फत की जो वाणी है वो तारतम का तारतम यहाँ तारतम मतलब हमारी स्व की पहचान हमारी निज की पहचान पहले आप पहचानो रे साधु पहले आप पहचानो बिना आप चिन्हें पार ब्रह्म को दूसरी धनी की पहचान और तीसरी घर की पहचान जो हमको तीनों पहचान हो जाए और परमधाम के मूल स्वरूप का दीदार पूर्ण स्वरूप का दीदार हो जाए सुन सुंदर सा जी उसको कहते हैं कि हमने तारतम लिया तारतम मंत्र कोई दीक्षा देने से या तारतम देने से या कान में फूंक मारने से तारतम दे दे या कंठी धारण कर ले या ये कोई तारतम नहीं है सिर्फ तारतम की बात धामधनी ने विस्तार से समझाई है अनेक अनेक चौपाइयों के माध्यम से कि तारतम लय श्री राजधारा थू ते सर्व ने जान सखियो कहे अमे आवी मलसू मलसु मलियाते मूल एंधान सुंदरशाह जी और भी बताया कि पहले फेरे ते नींद न होती अजवा लु तार जी आ तो आ फेरो आपन ने साथ जुओ विचारी मन जी पहला फेरा कया क्या पहला फेरा सुंदर सा जी जब हम सबसे पहले ब्रज में आए उसके बाद हम रास में गए रास के बाद हम परत परम धाम में गए तो पहला फेरा ब्रज और रास का पहला इसलिए कहा गया कि हम बीच में परमधाम नहीं गए थे ब्रज के बाद सीधे रास में गए थे ठीक है रास के बाद परत परमधाम गए थे तो एक ही फेरा हुआ ब्रज रास का तो पहले फेरे थे निध न होती निध मतलब ये तारतम रूपी अनमोल अखंड निध नहीं थी इसलिए ये फेरा हमारा दूसरा हुआ अज्वालु तारतम जी ये तारतम ज्ञान के अज्वाले में हम ऊजाले में हम सुंदर सा जी हमारा जीव जो जन्म जन्मांतर से ये अज्ञानता रूपी अंधकार में जो भटकता आ रहा है पूर्व जन्म के चित्त के कई संस्कार लेकर अंदर आया है उसने कभी भी ये प्रकाश नहीं देखा था ये नारायण को उलंकर या स्वर्ग वैकुंठ या नारायण को उलंकर कभी भी आगे नहीं गया था जब तक यह तारतम ज्ञान इस ब्रह्मांड में नहीं आया था इसलिए बताया कि पहले फेरे ते निध न होती अजवा लो तारतम जी तो आ फेरो थो आपने सुंदर सा जी नहीं तो हम ब्रज और रास के बाद एक बार तो परमधाम चले गए थे फिर आने की क्या जरूरत थी धामधनी साफ साफ बता दिया फिर आने की जरूरत ही क्या थी क्योंकि ये ज्ञान वाणी नहीं उतरी थी ये वाणी धाम धनी के दिल की पूर्ण पहचान देने के लिए क्या पहचान के परम धाम में जो 25 पक्ष में एक एक पक्ष जो बना है चाहे एक रेती के बालू से लेकर सर्वर सागर तक की जो संपूर्ण शोभा बनी है वो शोभा राज्य के अनेक रूपों में तो लीला कर रही है वो शोभा के अनेक रूपों की तो पहचान थी लेकिन अनेक रूपों में राज्य का स्वरूप लीला कर रहा है वो पहचान परम धाम में हमको नहीं थी सुंदर जी तो वो स्वरूप की पहचान देना ही तारतम है फिर बताया कि तारतम का यही रस चढ़िया जहर उतारे निर्विखी काया करे जीव जागे करारे तारतम का यही रस तारतम का ये रस वाणी का जो वचन रूपी रस है ये, ये हमारे अंदर जब जाएगा ने, तो जब ये सुखंग में आव ही तब छुटी जाए विकार चढ़िया जहर क्या जहर तो हमारे अंदर जो जन्म जन्मांतर के कई बार हमारे जीव पानी में पशु में कीट पतंग में मनुष्य योनि में भी हमारे अंदर हमने कई भोग भोगे होंगे कई विलास भोग के किए होंगे उसके अंदर हमारे कई विकार बने होंगे तो ये विकार कब दूर हो गए तो के तारतम वाणी के रस से दूर हो गए तारतम वाणी का यही रस और बताया कि संसार जो नारायण तक का बना है ये पूरा ही विश्रूफ है कैसा है पूरा ही इसलिए तो धामधनी ने प्रकाश हिंदुस्तानी में बताया के आप घर ने ईत साथ जी चौदह भवन में क्यायी जी ता कारण पीयू जी रे पुकार तमे कहाँ सूता इत जी चौदह भवन तक हमारा घर नहीं है सुंदर साथ जी ये चौदह लोक तक पूरी माया ही माही जुठ का ही विस्तार है और उससे परे ही हमारा अखंड बेहद घर जो बेहद अक्षरधाम है उससे भी परे हमारा अखंड परम धाम दिव्य घर हमारा घर है सुंदर साजी यहाँ ये बताया और तारतम वाणी रस की पिला ये जाको जहर चढ़िया वो जिमी का सुख हो वे ताको और बताया ये तारतम का यही रस चढ़िया जहर उतारे काया करे जीव जागे करारे तो तारतम सिर्फ एक चौपाई या सोक्षरी मंत्र या छः चौपाई या 112 चौपाई नहीं लेकिन अठारह चौपाई को यहाँ कहा गया सुंदर जी तो यहाँ श्री बिहारी जी महाराज ने सुंदर जी ये तीन नियमों की बात जब भेजकर पत्र के माध्यम से लिख कर भेजी सुंदर जी तो यहाँ सुंदर साथ में श्री जी ने जो जो बातें समझाई और बिहार जी महाराज को एक पत्र लिख कर भी भेजा और यहाँ बिहारी जी महाराज गादी पर बैठे बैठने से अपने को यह मानता है कि गादी ही सर्वस्व है ठीक है गादी की महत्ता इसलिए है सुंदर साहद जी कि जिस गादी पर सतगुरु धनी देवचंद्र जी महाराज बैठा करते थे जो गादी पर बैठने से ही जो अक्षरातीत हम अक्षरातीत माने जाते या हम अक्षरातीत कहे जाते या ये अक्षरातीत का हम स्वरूप बन जाते तो सुंदर शाह जी किसी का नाम कोई राज रखते किसी का नाम कोई अक्षराती कोई घर का नाम अक्षरातीत रखते कोई घर का नाम रंग महौल रखते कोई घर का नाम निज धाम रखते तो ये घर थोड़ी रंग माहौल बन जाता ये घर थोड़ी अक्षरातीत बन का धाम बन जाता यह घर थोड़ी निज धाम बन जाता यह कोई किसी का नाम राज रखे किसी का नाम श्याम रखे या किसी का नाम कोई भी मान लो ने अक्षर रखे या अक्षरातीत रखे जो भी कोई भी ए टू जेड नाम ले लो कहने का भाव मेरा यही है कि नाम रखने से कोई अंदर बन नहीं जाता नाम रखने से कोई या कोई पद पर बैठने से भी कुछ बन नहीं जाता सुंदर साहद जी यहाँ मान लो कि राजनीतिक क्षेत्र में तो ऐसा होता है कि कोई यहाँ की राज सत्ता पर सिंहासन पर बैठ जाता है तो उसको यह सत्ता का अधिकार मिल जाता है लेकिन अध्यात्म क्षेत्र में ऐसा नहीं है अध्यात्म क्षेत्र में जब तक योग्यता प्राप्त नहीं होती तब तक कोई अक्षरातीत का स्वरूप माना नहीं जाता जी अध्यात्म क्षेत्र में ऐसा नहीं है यहाँ बिहारी जी महाराज ने क्या मान के रखा कि भाई मैं गद्दी पर बैठा हूँ मैं ही सर्वस्व हूँ तो ये अपना पूरा ही अपना ही मतलब आ, सर्व जगह सब जगह अपना ही चला रहे मतलब कब्जा करना चाहता है या अपना अधिकार जमाना चाहते हैं तो यहाँ एक और भी बात हम ले सुंदर साह जी कि बिहारी जी महाराज जो गादी पर बैठने से ही अक्षरातीत कहे जाए तो इंद्रावती जब हबसे में गई कितने टाइम तक पुकार की धनी के लिए छे छे माह तक कि ने छ महीने तक इंद्रावती ने अपना तन खत्म कर दिया पूरा अंदर से आह भी निकल गई जीव भी निकल गया अबसा में प्रबोधपुरी में आपने सुना ने? अबसा में प्रबोधपुरी में अपना जीव भी निकाल दिया वीरह की आग में पूरी जलकर अंदर से हड्डिया एक एक हड्डिया जो है वो ये एक अंगिठड़ी की तरह मतलब कि अग्नि में जले ऐसी हो गई इतना ही नहीं लोह मांस सूख गए पूरे इंद्रावती के तभी राज्य मिले कभी मिले राज्य इंद्रावती को राज्य कभी मिले सुंदर साथ जी ये राज्य कोई सिर्फ बिहार जी की बात नहीं कर रहे हैं ये हमारी सबकी बात है सुंदर साह जी जो हम कसनी नहीं करेंगे अध्यात्म की एक कठिन राह पर हम नहीं चलेंगे हम वाणी नहीं पढ़ेंगे हम ध्यान नहीं करेंगे हम ध्यान की राह पर नहीं चलेंगे सुंदर साहद जी हमारे शरीर को हम शांति से हमारे मन को एकाग्र करके हम एक दो घंटे के भी लिए नहीं हम बैठा पाएंगे तो सुंदर साहद जी जी ऐसे कोई सरल नहीं है जी इतना भी मुश्किल नहीं है पाना कि जी मतलब राज्य ने माने भी बताया कि मैं इतना भी सस्ता नहीं हूं कि आपको ना मिलो और इतना कठिन भी नहीं हूं नहीं मैं इतना सस्ता नहीं हूं कि आपको मिल जाओ मैं इतना कठिन भी नहीं हूं कि आपको ना मिलो मतलब मैं आपकी प्राण नली से भी नदी को मैं आपकी प्राण नली से भी मैं नजदीक हूँ लेकिन आप अंदर जाके देखोगे तभी ने तो यहाँ जी ने अंदर बैठी हुई सुंदर सा जी इंद्रावती की आत्मा ने छ मास में अपना पूरा शरीर झरझर कर दिया तभी राज ने आके दीदार दिया बताया न मैं तो अपना दे रही पर तू मही रायू बल दे आप खड़ी करी कछु कारज अपने पीयू सनमंद हे मूल को मैं तो पाऊं पल छोड़ियो न जाय पूरा तन झर कर दिया था तो यहाँ धामधनी ने इस प्रसंग से सा जी हमको बताया और उसके बाद हमने देखा कि पूरा कारवा चला उसके बाद हमने देखा ने, तीन नियमों के बाद वहाँ से 500 सौ की जमात पूरा जो कारवा चला महाजर को जिनको कहा गया कि जो अपने अपने घर से कोई एक दो सुंदर साथ निकले कोई चार निकले कुल पूरे कोई घर परिवार समेत निकल गए और जो घर परिवार में से निकले ने सुंदर शाह जी उसने अपने घर परिवार में अंतिम प्रणाम कर लिया अंतिम विदा ले ली कि भाई हम वापस लौटने वाले नहीं हैं ऐसे महाजर लोग कल हमने देखा कि 500 लोग वहाँ से निकल पड़े उसमें हमने कई सुंदर सात के नाम भी सुंदर जी सुने थे जो जिसमें तेजपुरी जी भीम भट्ट श्याम भट्ट उसमें छबील दास जमुना बाई लाल बाई उसकी बेटी श्याम बाई तो ऐसे सब सुंदर जी वहाँ से निकल पड़े और ये कारवा को सुंदर जी आगे क्योंकि धामधनी ने वाणी में बताया है कि सबों के सुख कारणे सबों के सुख कारणें तू जाहिर हुई महमत क्या बताया वाणी में सबों के सुख कारणें तू जाहिर हुई महमत महामती महामति सबके सुख कारणे मैंने तेरे को जाहिर इस ब्रह्मांड में करना है और तेरे से ही पूरे संसार को मुक्ति देना है तो बस तू अज्ञानता के अंधकार को मिटाने के लिए बस तू निकल पड़ और सभी सुंदर भी रास्ते में अज्ञानता रूपी अंधकार को नष्ट कर और गलयुग रूपी दज्जाल को मारकर और माया के जीवों के साथ एक ज्ञान का युद्ध कर रहे कितना कैसा युद्ध कर रहे हैं वो ज्ञान का युद्ध कर रहे हैं और आगे सुंदर सा जी बढ़ते 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 हमने देखा कि कल भगवान दास रेवा दास का तो ये जो सिद्धपुर का प्रसंग हम यहाँ जोड़ दे सुंदरशाह जी पल का प्रसंग में इसलिए जोड़ती हूँ कि सुंदर शाह जी आज की लिंक भी पकड़ जाए और कल के प्रसंग में हमने जो कई कई बातों को धामधनी ने जो जोड़ने के लिए बाकी रहे तो ये भी बात जोड़ दे और आज का प्रसंग भी जुड़ जाए कि कल हमने क्या क्या बातें क्या क्या प्रसंग क्या क्या घटनाक्रम देखे थे ये कोई सामान्य सी बात नहीं है ये सुंदर साथ ने रोज के लिए हर हमेश के लिए विदा ली है ऐसे महाजनों का ये नाम है सुंदर साथ जी जो आज हमने ये सब सुंदर साथ को याद किया और आगे हमने देखा था कि श्री लालदास जी महाराज भी अपना ऐसे निन्यानबे जहाज़ को छोड़कर ऐसे ऐसे एक लक्ष्मण सेठ बनकर बैठे थे लेकिन एक खाली हाथ में लोटा लेकर निकल पड़े हैं अपना कुछ बचा नहीं है धामधनी के चढ़ों में अपना सब कुछ समर्पित कर दिया है और इतना ही आगे हम पहुँचे कहाँ थे सुंदर सा जी कल सिद्धपुर में पहुँचे थे तो सिद्धपुर में भगवान दास रेवादास के प्रसंग को हमने पूरा विस्तार से सुना और चलते चलते जब एक मोहर दी थी उसको तो उसने और लालच की तब गोवर्धन भाई ने बोला कि भाई तू यहाँ की तो चीज कहीं भी से तू प्राप्त कर लेगा लेकिन उससे पास एक अवलौकिक चीज मांग अखंड की निधि मांग और आज हम इत चलते चलते तुमको कहे तो और क्या भी कहे तो सुंदर साज जी जाते जाते चार शब्द धनी ने बोला और धनी ने बोला कि हम 22 दिन तक आपके शहर में रहे आपके गांव में रहे आपको एक बात भी याद नहीं आई अखंड धाम के बारे में पूछने की और जाते जाते आप पूछ रहे हो कि मेरी की आत्मा को मेरी आत्मा को जागृत कीजिए तो जाते जाते मैं कितनी बातों को आपको कहूँ सुंदर सा जी ये किसकी बात है हमारी हमारा एक महीने का बीतक खत्म हो जाए और अंतिम एक दो दिन बाकी रहे फिर हम पूछे कि ये बीतक में वहाँ क्या प्रसंग आया था ये प्रसंग पर हमने आधा सुना आधा हमने थोड़ा मिस कर दिया या ये प्रसंग के पर हम अभी चल रहे हैं या नहीं चल रहे हैं तभी भी बोला था ने जो जो प्रसंग धामधनी ने क्यों लिखा सब जो प्रसंग लिखा उसके पीछे का कोई रीजन कारण है क्या कारण है सुंदर साहद जी कि भाई अगले साथ तो चाले श्री जी के साथ चले सही लेकिन पिछले साथ कारण ये वाणी कही ये पिछले साथ कारण ये वाणी कही सुंदर साहद जी हमारे लिए अभी तक कही है उसके साथ चले वो तो चल गए ये हमारे लिए वाणी कही है भाई क्यों भी तक लिखने की जरूरत थी क्योंकि पिछला साथ बोलेगा कि हम सेवा करें तो कैसे करें हम श्री जी के साथ चले तो कैसे चले देखो ये बच्चे हैं ना हमारे ज्ञान फिट में आज समर्पण करके मतलब ये आज शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं अध्यात्म की और भी शिक्षा है धर्मशास्त्रों की तो उसको एक पता लगे कि भाई यह हम संस्था में रहकर ये कर रहे हैं तो प्राणनाथ जी जैसे 400 आज से सा तीन साल पहले कैसे चले और उस राह पर चलने वाले सुंदर साथ कैसे चले तो ये बीतक जब सुनेंगे तभी तो बेटा पता लगेगा कि लालदासी कैसे ठट्ठानगर से नहीं निकले तो फिर सूरत से कैसे चले वो सीजी के कहने पर एक एक वचन पर वो कैसे चले तो आप भी आज हमारे गुरुजनों के आशीर्वाद से या गुरुजनों के वचनों को हम कैसे सिरोधार्य करें उस पर कैसे श्रद्धा रखें कैसे निष्ठा रखें और राज्य पर हमारी कैसे आत्मविश्वास राज्य पर हमारा बना रहे हम आठ नियमों में पढ़ते हैं ना हमारे राज्य पर हमारा आत्मविश्वास कैसा होना चाहिए गुरुजनों पर हमारी कैसी श्रद्धा होनी चाहिए निष्ठापूर्वक हमारा अध्ययन चिंतन मनन सुंदर सा जी अभी तक हर साल एक महीने क्यों, क्यों कही जाती है हर साल नहीं तो एक साल हो गई तो क्या दूसरे साल ये अभी तक ना करे तो नहीं चलेगा क्या लेकिन दूसरे साल और जनरेशन आएगी तीसरे साल और सुंदर नए जुड़ेंगे तो हर साल ये सुंदर साथ को सीख मिलती रहेगी और ये सुंदर साथ ये हमारी राह पर चलने के लिए और आगे बढ़ेगा सुंदर साथ जी तो यहाँ बताया कि भाई चलते चलते भाई क्या कहूँ तेरे शहर में बाईस दिन तक ये अक्सरातीत के चरण कमल पड़े लेकिन तूने पहचाना नहीं केशवदासी ने बोला कि मैं तो उत ही जात हूँ मुझे आया ईमान उसने क्या बोला कि पंडा तू तो पंडा ही पंडा रहा तू तो देवी देवताओं की अभी तक पूजा करता रहा था अभी तक देवी देवता की पूजा करता रहा था और तेरों को अक्षरातीत सामने आए और तू पहचान नहीं पाया तो सुंदर साज जी हमारे सामने धाम धनी की वाणी है और बार बार कई कई प्रसंगों के माध्यम से हमको सावचेत कर रहे सावधान कर रहे जो हम न पहचान पाए तो हम भी भगवान दास एवा दास की जैसी हमारी हालत बन जाएगी तो सुंदर साधजी यहाँ धनी अलग अलग प्रसंगों के माध्यम से बता रहे यहाँ बताया के थाना थापा सिद्धपुर में चौपाई से बताया तो सीधे ही श्री जी को मिले और वहाँ वाणी तारतम वाणी का ज्ञान सुना पहचान हुई तारतम भी लिया आने के बाद सिद्धपुर में अपने घर में केशवदास जी ने अपने घर में कहां अपने घर में क्या कहा करा सुंदरसा जी ज्ञान केंद्र की स्थापना की क्या किया ज्ञान केंद्र की स्थापना की सुंदरसा जी थाना थापा सिद्धपुर में केशव भट्ट के घर धाम चर्चा नित होवी और वहां चर्चा चितवनी बस चर्चा चर्चा की अर्चा वहां तो पूरी शुरू हो गई वहाँ दूसरे केशवदास द्वारकादास को दास को प्रमोदिया सुंदरसाज जी केशवदासी ने अपने घर में ठोर ठोर थाने दिए ठोर ठोर थाने दिए मेला हुआ मध्य देश यहाँ ठोर ठोर थाने देने का भाव मतलब ठोर ठोर मंदिर बनवाना या ठोर ठोर एक ज्ञान केंद्र खोलना ठोर ठोर जो भी आश्रम जो भी उ, उसकी स्थापना करना ये यहाँ धाम धनी ने बताया ठीक है भले ही कोई भी केंद्र हो चाहे मंदिर हो चाहे ज्ञान केंद्र हो या चितवनी केंद्र एक ध्यान का केंद्र हो सुंदर शाह जी या कोई भी आश्रम के एक प्रचार प्रसार का केंद्र हो कहीं भी केंद्र हो लेकिन वहाँ से वाणी का प्रचार प्रसार होना चाहिए सुंदर सा जी सिर्फ मात्र राज्य घर में लाने के बाद वहाँ सिर्फ राज्य को मंदिर में बिठा कर राज्य की सेवा पूजा तीनों टाइम आरती भोग प्रसाद चरणामृत करके और सनंद में तो बताया कि राज्य को तो हम घर में लाए राज्य को तो हम घर में लाए फिर उसको मेहमानियाँ करवाया क्या करवाया एक मेहमान की तरह मतलब एक आगंतुक अतिथि की तरह अपने घर में बुलाया और क्या किया कि अपने एक अच्छे आसन बिछा दिया एक पूरे पलंग पर आसन बिछा दिया और वहाँ बैठा भी दिया राज्य को या एक मंदिर का कोई सिंहासन बना दिया वहाँ राज्य को बिठा दिया और अच्छे अच्छे पकवान व्यंजन बना के हम भोग भी लगाने लगे चवन ढोड़ाने लगे सुंदर जी आरती उतारने लगे पोढ़ावनी की उठापन किया सब कुछ हम करने लगे लेकिन उसके साथ हम बातचीत नहीं करेंगे तो वो धनी हमारे घर में कितने टाइम तक रहोगे मान लो भैया आप मेरे घर में आए राजकोट आप दो दिन रुके मैंने आने के बाद आपका बहुत अच्छा वेलकम किया घर में बिठाया अच्छे तरह से मतलब आ, आ, पानी या वेलकम में मतलब जूस और अलग अलग कोल्ड ड्रिंक्स पिलाए या बिठाने के बाद मतलब चाय कुछ दिया नाश्ता हल्का सा दिया और उसके बाद बड़े एक अच्छे कमरे ऐसी कमरे में मैंने उसको बैठाया मतलब एक रेस्ट करने के लिए आराम करने के लिए उतारे के लिए कमरा भी निकाल दिया और इतना ही नहीं मैं सब कुछ उसको अच्छे अच्छे पकवान भोजन बनाने के बाद में खिलाने भी लगी दो दिन में वैसी सेवा करती रही लेकिन उसके साथ मैंने एक भी बात नहीं पूछी तो उसको कैसा लगेगा वो बैठेगा वहां रुकेगा या वापस चला जाएगा राज्य को यह चीज है क्या सिर्फ मंदिर में रखने के बाद उसके साथ क्या करना चाहिए बातचीत करना चाहिए धाम धनी प्रेम के स्वरूप है ये आनंद के स्वरूप है ये हमारे आत्मा के प्रियतम है ये सिर्फ प्रेम चाहता है दिल में क्या चाहता है हमारा भोग ठीक है हमारा भाव होना चाहिए हम राज्य को सब कुछ भोग लगाइए सब कुछ लेकिन हमने हमने हमारा दिल कभी भी दिया राज्य को हम सब कुछ बाहरी जो सब कुछ सामग्री हम दे देंगे ठीक है लेकिन हमने हमारा दिल दिया कभी दिल हम परिवार को देते हैं बच्चों को देते हैं माता पिता को देते हैं पति को देते हैं सबको देते है, दिन में कितने लोगों के साथ हमारा कॉन्टैक्ट होता है हम सबको दिल दे देते हैं लेकिन जी को कभी भी हम दिल देते नहीं है दिल किसको देना है एक सिर्फ राज जी को देना है किसको देना है और परिवार को क्या करना है सिर्फ फॉर्मोलिटी मतलब हमारी जितनी कर्तव्य जितना बनता है घर में हमारा जितना कर्तव्य बनता है बस इतना ही कर लो लेकिन पहली प्राथमिकता किसको देनी है राज जी को ठीक है और हम पूरा दिन हमारा बारह घंटे में हम कितने घंटे हम पूरा दिल किस किस को देते देते रहते सुंदर साथ जी और राज जी के पास एक बार सुबह आधे पौने घंटे मिल गए या देर हो गई तो वो भी कई बार दस ग्यारह बज जाते फिर दोपहर को याद आता तब भोग लगा लेते फिर पुढावनी कर देते फिर हम चार बजे उठते फिर उसको फिर चार बजे उठाते फिर हम तीन बजे उठते तो हम उसको भी तीन बजे कई बार देर से सो तो पाँच बजे भी उठाते फिर राजी के पास एक जल या फल कुछ लगा देते फिर उसको उठा देते फिर शाम को सात बजे फिर संध्या आरती कर लेते फिर रात्रि का भोग लगाते फिर रात्रि को राज्य को भी हम बढ़ा देते ठीक है जी को हम क्या कर देते बोढ़ावनी करा देते जी बोर्ड जाते क्या जो जी सो जाते जी बोर्ड जाते तो सुंदर सा जी हम उससे पहले हम इस संसार में रह बातें क्या समझ में आया राज्य को कहा दिल में बैठा कर सोना है और तुम्हारा मेरा रात को भी राज्य कहाँ सोना चाहिए और राज्य यहाँ कैसे सो पाएंगे मतलब जो हमारा दिल ही पवित्र नहीं होगा मान लो मैं यहाँ बैठी हूँ यहाँ भी थोड़ी जगह गंदी है तो मैं कैसे बैठू यहाँ ऐसे थोड़ा झाड़ कर बैठूंगी ने ऐसे थोड़ी बैठूंगी यहाँ ठीक है तो आप वहां भी बैठो तो देख के बैठते हो ना नीचे गद्दे पर भी कोई भी मतलब फर्श पर बैठते हो तो, तो राज जी हमारे दिल में बैठने वाले हैं रात को तो हमारा दिल ही हमने कहीं इधर दे रखा है कहीं इधर दे रखा है कहीं इधर दे रखा है कहीं किचन की बात रात को याद आ गई कोई बिजनेस की बात याद आ गई बोलते जाते अर्श तुम्हारा मेरा दिल है तुम आए करो हारा तो क्या राज्य अंदर सोच पाए गए बोले कि पहला तू तेरा चित्त तो मेरी और रख तू बोलती जा रही है और तेरा चित कहा है रात को तो मेरे पास तू रे मतलब दिन को को तो संसार को तो संसार दिया रात तू मेरे लिए रख रात तो मेरे पास रहे धामदनी क्या कर रहे थाना थापिया सिद्धपुर में सिर्फ मंदिर नहीं बनाया है मेरा कहने का भाव इतना नहीं है मैं समय की वो पाबंदी से मैं ज्यादा नहीं कह रही हूँ तो भी रात धामधनी पता नहीं कितना कितना बुला देते हैं मेरे को भी पता नहीं यहाँ धाम धनी बता रहे हैं कि दिन को तो तू तो कितने घंटे ये संसार को दे दिया रात को तो मेरे पास तू रहे फिर सुबह को तो पाँच छः बजे नींद खुलेगी फिर संसार की ओर तेरी नज़र मोड़ेगी तो इतने घंटे तो मेरे की ओर रहे इसलिए तो बोला कि सुख से सुख लेवे सारी रात सैया सुख लेवे सारी रात सुंदर सा जी जो मासुक सेज न आईया मासुक सेज न आईया कही सुनी न बात सुख न लियो सेज इन अंग को तो निष्फल गई जो रात जो रात को ये धामधनी हमारे दिल रूपी सेजिया पर नहीं आते तो हमारी ये रात मान लो कि निष्फल गई हम कोई विचारों से सोते या कोई विचारों से हम उठते क्योंकि हमने रात में विचारी क्या किया है जो माया के किए तो सुबह उठने के बाद विचार भी माया के ही आएगे सुंदर जी और जो रात को हमने धाम धनी के विचार किए तो सुबह उठने के बाद विचार भी धाम धनी के आएगे सुंदर जी यहाँ और यह बताया कि सुंदर जी अपने घर में क्या ज्ञान केंद्र खोला तो आज एक दुख के साथ मेरे को कहना पड़ रहा है सुंदर जी एक व्यथित हृदय से कहना पड़ रहा है कोई मेरे कहने का भाव मेरा कहने का कोई उद्देश्य तो ऐसा नहीं है अब जो भी मेरी चर्चा को सुने सुंदर साहद जी ये बस अपने दिल में भी एक धाम धनी के प्रति भाव भर करी ये बात को पूर्ण रूप से समझना है कि आज हमारे समाज में ज्ञान केंद्र नहीं मंदिरों तो बहुत बन गए लेकिन ज्ञान केंद्र कहीं भी नहीं खुले मंदिर आज हमारे समाज में 600 से ज़्यादा मंदिर बन गए लेकिन सुंदर सा जी छः से ज़्यादा मंदिर तो बने लेकिन छः विद्वान आज हमारे समाज में ऐसा कोई अच्छा प्रस्तुतिकरण कर सके कि आज देखो ब्रह्मा कुमारी मत की शिवानी ब्रह्मा कुमारी मत की शिवानी पूरी राष्ट्रीय लेवल पर नहीं विश्व लेवल पर आज काम कर रही है कितने कंट्री में 112 कंट्री में उसका प्रचार प्रसार है और आज विश्व विश्व लेवल पर दीदी शिवानी को आज सब लोग पहचानते हैं क्या सुंदर साह जी हमारे समाज में बहुत दुख के साथ आज कहना पड़ रहा है कि दीदी शिवानी का आज जो एक प्रवचन है सुंदर साह जी ये बात निराकार तक की आज करते हैं ये ब्रह्म को निराकार का स्वरूप मानते हैं लेकिन उसके अंदर की जो कहने की एक शैली प्रस्तुतिकरण समझाने का एक ढंग जो तरीका है उससे आज लाखों लोग अरबों लोग उसके फॉलोअर है सुन्दर जी। है हमारे पास यहाँ क्या बोल बताया थाना था, था पियासी पुर में तो आज हमारे इतने मंदिर बन गए और मंदिर में भी सिर्फ कर्मकांड सिर्फ आडंबर बस और इतना भी नहीं सुंदर साजी जी और भी कितना अलगाव कितनी दुरिया कि ये लोग ये कृष्ण पनामी है ये निजानंदी अरे भाई जब परम धाम में हम जगेंगे जब हमारे हम कैसे बैठी है वहां सुंदर साजी जी हम परम धाम में कैसे बैठे हैं एक दूसरे को अंग सो अंग लगाए के बैठिया हम कैसे बैठिया पहले प्रकरण में खिलवत के बताया ने ऐसा खेल दिखाया जो मांग लिया है हम अब के से अरज करु कहो गे मागी हा तुम बेठी अंग लगा दया सुंदर सज दिल की भी कह सको पिया शब्द न सुनाई ऐसा खेल दिखाइया जो मांग लिया है हम सुंदर सा जी क्या बताया कि हम परमधाम में जब जागृत हो गए सुंदर शाह जी तन में तब वहाँ ऐसे दाड़म की अनार की कलियों की तरह एक दूसरे के गले में बाई में बाई डालकर बैठी है वहां हम धाम धनी के सामने सिर कैसे ऊंचा कर पाओगे या हम झगड़ा लगावे आप में बताया नाली आइया ये कीर्तन है ना? कातन वाली आइया मीनो मीने रब्द कर सुंदर साची, जी या झगड़ा लगावे आप में क्या कर रहे हैं हम सुंदर साद जी कौन कृष्ण प्रणामी कौन निजानंदी हम सब निजानंदी मतलब हम सब श्यामा जी के एक अंगी सुंदर साथ है तो यहाँ साजी दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि ये आज हमारे कितने मंदिर है कितने मंदिरों के अंदर आज कहीं सुंदर साथ भी रह रहे हैं लेकिन ऐसे कोई अस्थे ऐसे कोई विद्वान नहीं है कि अच्छे तरीके से प्रस्तुतिकरण कर सके और सुंदर शाह जी और भी एक दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि आज हमारे समाज में जहाँ वाणी की हमारे जो महान धर्म ग्रंथ हमारी वाणी है ये एक वित्त साहेब है तो वाणी हम सेवा पूजा में मुख्य स्थान पर सिंहासन पर पधराई सुंदर जात पधराई जाती है जिसकी हम सेवा पूजा करते हैं सुंदर साहद जी तो आज हमारे समाज में वाणी को हटाकर भागवत की पुराणों की आज गाथा गाई जा रही है ये भी हमारे समाज में एक दुर्भाग्य की बात है सुंदर साहद जी नहीं कहना है तो भी पता नहीं आज धामधनी क्यों बुलवा रहे हैं मेरे मुख से ये दुख के साथ और भी एक बात आज मेरे मुख से निकल रही है कि जो आज बड़े बड़े मंदिरों में बड़े बड़े भंडारे हो रहे आज हमारे बड़े बड़े स्थानों में बड़े बड़े जो आचार्य आज जो बड़े बड़े कार्यक्रम भंडारे कर रहे हैं ये भंडारे कार्यक्रम में भी 108 पारण भी रखी जा रही है लेकिन 108 पारण जो रखी जा रही है वो तो मौन पड़ी जा रही है वहाँ तो बस अंगुली से ऐसे ऐसे मौन पड़ी जा रही है लेकिन जब व्यासपीठ पे भागवत की वहाँ से चर्चा हो रही है ये क्या ये हमारे परमधाम की रहनी है ये क्या ये हमारे निजानंद संप्रदाय की परंपरा में या हमारी रस्म में आता है क्या ये 108 सौ आठ 400 चार पारण है आज तो 400 वर्ष के नाम पर कितनी पारणे लगी कितने भंडारे कार्यक्रम हुए वहाँ बस मौन ऐसे पढ़ी गई लेकिन चर्चा हर जगह भागवत की ही हुई सुंदर साद जी ये बात मैंने इसलिए बताई कि था ना था प्यासी द पूर्व में तो जो ज्ञान केंद्र जब 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 तक ये शिक्षा के केंद्र नहीं खुलेंगे जब तक ये प्रचार प्रसार के केंद्र नहीं खुलेंगे तब तक हमारा कोई काम बनने वाला नहीं है देखो आज ब्रह्मा कुमारी मत में आठ हजार सेंटर है कितने 112 देशों में प्रचार प्रसार और 8000 सेंटर है वैसे स्वामीनारायण संप्रदाय गुजरात में इतना प्रचार प्रसार है कि उसका भी 100 देशों से ज़्यादा शायद 120 देशों या 22 देशों में उसका प्रचार प्रसार है तो वहाँ हर जगह अपने बहुत बड़े बड़े स्वामीनारायण मंदिर बन गए मैं मंदिर बनाने की बात नहीं कर रही हूँ मेरी बात को उल्टी मत समझना मतलब ये मंदिर बनाना कोई सरल चीज़ नहीं है ये कोई सरल काम नहीं है ये आज ये मंदिर भी कई बड़े बड़ी महंगी महंगी जमीने के जहाँ जहाँ खरीदी जाती है और बड़ी बड़ी शहरों में बड़े बड़े मतलब कंट्रियों में और बड़ी बड़ी जगह पर बड़े बड़े शहरों में आज देखो अरब की धरती दुबई अभी जहाँ दुबई में एक मुस्लिम के सामने हिंदू का नाम लिया नहीं जाता उस धरती पर प्रमुख स्वामी महाराज जी का या और दूसरा मंदिर स्वामीनारायण का कोई कुछ बना दोनों के किसका बना ये मेरे को पूरा पक्का पता नहीं है लेकिन अभी स्वामीनारायण मंदिर बहुत बड़ा वहाँ अरब की धरती पर बना जहाँ मुस्लिम के सामने एक हिंदू का नाम नहीं लिया जाता तो सुंदर साहद जी आज स्वामीनारायण संप्रदाय ब्रह्मा कुमारी मत राधा स्वामी मत शिश्री रविशंकर मत आज कितने प्रचार प्रसार हो रहे हैं तो आज मेरे को ये दुख के साथ कहना पड़ रहा है सुंदर साधज जी कि आज हमारे इतने मंदिरों का भी हम सही ढंग से संचालन नहीं कर पा रहे हैं और उसके अंदर इतने विद्वान भी ऐसे ऐसे कोई राष्ट्रीय लेवल की लेवल पर कोई ऐसा प्रचार कर सके ऐसा प्रस्तुतिकरण करने वाला विद्वान भी हमारे पास नहीं है तो यहाँ बताया कि थाना थापा सिद्धपुर में केशव भट्ट के घर तो केशव भट्ट के घर में सुंदर सा जी थाना थापा गया जहाँ चर्चा चितवनी का कार्यक्रम शुरू हो गया तो सुंदर सा जी दुख के साथ और भी एक बात कहनी है कि भाई हम हमारी मान प्रतिष्ठा और हमारा एक बस हमारी बहुत अपनी प्रतिष्ठा मान के लिए धामधनी ने तो वाणी में बताया कि मान प्रतिष्ठा पेजारो जो दगा देते बीच ध्यान मतलब मान प्रतिष्ठा नहीं चाहिए धामधनी जो मेरे और तुम्हारे बीच में जो ध्यान में मतलब आपके दीदार के बीच में जो दगा दे रही है जो बाधाएं डाल रही है ये प्रतिष्ठा मेरे को नहीं चाहिए मान मेरे क्यों नहीं चाहिए तो आज हमारे सुन... समाज के वरिष्ठ सुंदर साथ कई गांव-गांव के शहर शहर के अग्रणी सुंदर साथ भी अपने बड़े बड़े स्थानों की मान प्रतिष्ठा के लिए भी बस उसकी प्रतिष्ठा मान न टूटे इस, इसी वजह से भी बस आज 25 पक्ष परमधाम का ज्ञान लेने के बाद भी उस वाणी को ढककर आज पुराणों की गाथा गा जा रही है ये तो हमारे लिए कोई सहनीय बात नहीं है निजानंद संप्रदाय के लिए इतना ही नहीं ये कोई न्याय की बात नहीं हुई और इतना ही नहीं साथ में दिन में हम सुंदर साथ धाम धनी को योग माया ब्रह्मांड में कैसे न्याय दे पाएंगे क्योंकि साथ में दिन में तो हमारे सबके जीवी वहाँ एकत्रित हो गए तो सबकी करने के हिसाब मुझे भी हमको हमारे जीव का जीव को ही विस्त मिलेगा तो सुंदर सा जी यहाँ जितनी भी मान प्रतिष्ठा कमा लो जितनी भी यहाँ शोभा प्राप्त कर लो एक बार हम परम धाम तक 25 पक्ष का ज्ञान भी हमने प्राप्त कर लिया और वाणी की हमने पहचान कर ली बित्तक साहेब की हमने पहचान कर ली और उसके बाद भी हम फिर आज उसको ढककर फिर हम सुंदर जी पुराणों की गाथा गाए ये हमारे लिए शोभा नहीं देता है इतना कहकर हम प्रसंग में और आगे बढ़े अब हम सिद्धपुर से मेरते पहुँचे तो मेरते के अंदर सुन्दर जी पहला प्रसंग लाभानंद जति का आता है लाभानंद जति तांत्रिक थे कैसे थे वो वो तांत्रिक थे उसने अपनी आसुरी शक्ति के मंत्र से तांत्रिक क्रियाओं से जो आसुरी प्रवृत्ति वाले सूक्ष्मधारी भूत प्रेत देतियों को बुलाकर ऐसे अपना जो एक शक्ति का प्रदर्शन करते थे शक्ति को अजमाते थे ऐसे लाभानंद जति मेरता के अंदर श्री जी वहाँ पहुँचते हैं तो उसको पता लगता है कि लाभानंद यति यति किसको कहा जाता है कि जो वैराग्य वेश धारण कर कर परब्रह्म के प्रेम में जो पूर्णतः डूब जाए उसको यति कहा जाता है लेकिन यह यति लाभानंद यति ने तो बाहरी वेशभूषा धारण करके रखी है अंदर आचरण से वो यति नहीं है प्रैक्टिकल में ये यति नहीं है सुंदर साज जी तो लाभानंद यति की बात जब श्री जी ने सुनी तो लाभानंद यति से पूरी मेरता की जनता इतनी भयभीत थी इतनी दुखी थी कि दूसरे कोई महात्मा गांव में आते न तो वहाँ भी वो जा सकती नहीं थी क्योंकि अपने पास आसुरी शक्ति के ऐसे मंत्र थे उससे वो पूरी जनता को भयभीत करके रखा था तो श्री जी ने जब यह दबाव सुना तो श्री जी पहले लाभानंद जति से शास्त्रार्थ करते मतलब वहां चर्चा करते हैं वहाँ चर्चा दस दिन तक होती रहती है कितने दिन तक दस दिन तक होती रहती है दस दिन तक श्री जी प्रश्न पूछते रहे कदम कदम पर लाभानंद जति हारते रहे लाभानंद जति को एक भी जवाब नहीं मिला लाभानंद जति को एक भी जवाब नहीं आया मतलब दे दे नहीं पाया लाभानंद जति एक भी जवाब श्री जी का नहीं दे पाया कदम कदम पर लाभानंद जति की हार हुई तो लाभानंद जति ने सोचा कि अभी मेरी महता जो पूरे गांव शहर या के जो इलाके में है ये तो मेरी महता ही समाप्त हो जाएगी पूरी मेरी मान्यता ही नष्ट हो जाएगी और ये मेरी जो बस में सब आकर जो मेरे अधीन होकर सब काम कर रहे वो मेरी कोई सताई नहीं रहेगी तो उस बात को लेकर उसने क्या सोचा सुंदर साथ जी कि चलो मैं एक करूं कि भाई ये चर्चा में तो मेरे बस में हुआ नहीं कौन श्री जी चर्चा में तो मेरे बस में श्री जी हुआ नहीं तो मैं ऐसा करूं बड़ी बड़ी चट्टानों बड़े बड़े पत्थरें ऐसे लेकर जो उसके साथ एक महात्मा आया है ने अपने गांव में मेड़ता में उसके साथ जो बड़ी एक जमात आई है जो कारवा चला है उसको मैं चट्टानों से मार मार कर उसको पहाड़ों के नीचे दाब दू ऐसा किसने सोचा लाभानंद यति ने सोचा सुंदर सा जी उसमें कुछ और क्या कोई कुछ शक्ति नहीं थी बस मन को जब एकाग्र करते ने तो मन की दृढ़ संकल्प शक्ति से सुंदर सा जी ये काम कोई कठिन नहीं है मतलब ये सरल है मन की जब संकल्प शक्ति दृढ़ हो जाती तो सब काम सरल हो जाता है मन को एकाग्र करना होता है एक ही जगह तो यहाँ बताया कि जब लाभानंद जति अपने मन को जब एक ही जगह तीन चार पाँच घंटे तक जब लगातार लगा रहे तो ये अपनी आसुरी शक्ति से शक्ति के मंत्र से ऐसे आसुरी प्रवृत्ति वाले लोगों को सूक्ष्म शरीरधारी भूत प्रेतियों को बुला लाते थे, थे इसमें कुछ नहीं था सुंदरशाह जी इसमें ऐसा था कि यही मन यही मन क्या करता है सुंदर जी ये खेल मन से तो बना है हमने कल बोला था ई अक्षर को विलस्यो मन बताया न पांच तत्व चौदह भवन या में महाविष्णु मन मन थे त्रिगुण ताथे थीर चर सब उत्पन्न तो ये खेल मन से तो पूरा बना हुआ है मन का क्या है मन को जब मन के अंदर एक सकारात्मक सोच हो और अंदर सात्विकता हो तो हम एक अध्यात्म बल और अध्यात्म स्तर भी हम प्राप्त कर सकते हैं और मन के अंदर नकारात्मक सोच वो और तमोगुण का प्रभाव हो तो हम ये तांत्रिक सिद्धियाँ भी प्राप्त कर सकते हैं मन को किस तरफ मोड़ना है ये हमारे पर डिपेंड है मन को किस तरफ मोड़ना है हमारे पर डिपेंड है सुंदर जी इसलिए तो धामधरी ने बताया कि मन के हारे हारिए मन के जीते जीत मन ही देवे सत भी, मन ही करे फजीत मन क्या करता है मान लो यही मन एक दिन सुरदास को सुरदास ने उसने मन को तो विचलित कर दिया अपनी आंख को ये मन ने तो फोड़वा दी आज एक दिन कितनी साधना करके अपना आत्मिक बल प्राप्त किया और एक दिन रास्ते पर जा रहे थे कोई सुंदर स्त्री को देखकर अपना मन मोहित हुआ और यही मन एक ही क्षण में अंदर फिर सोचने लगा कि हे मन तू एक क्षण में किचड़ में चला गया इतने साल की साधना को तूने एक क्षण में नष्ट कर दिया तो सुंदर सा जी ये मन क्या करवाता है और क्या नहीं करवाता है आप ध्यान से सुनना यही मन सोबरी ऋषि को कितने सालों की साधना का एक दिन नदी किनारे ओतप करते थे ना तो तब करते थे तो एक दिन सुबह को नदी किनारे स्नान आदि के लिए गए तो नदी के अंदर मछली के तो जोड़े जो अंदर कीड़ा कर रहे थे तो उसको देखकर कर शोभरी ऋषि का मन भी अंदर से हिल गया मन बदल गया कि ये गृहस्थी जीवन का यही सुख है तो यही मन ने क्या करवाया माधानता की पचास कन्याओं के साथ शादी करवा के कई पुत्र रत्न प्राप्ति के बाद भी यही मन फिर वन की ओर जंगल की ओर मोड़ा के हे मन तू इतना मरकट मतलब इतना गंदा मरकट की तरह तू नारद की तरह एक क्षण रहता नहीं है यही मन ययाति ऋषि यही मन ययाति ऋषि ने अपने पुत्र की युवावस्था से लेकर कहाँ तक उसने ये सुख विलास को भोगा तो भी ये मन तृप्त नहीं हुआ तो ये मन क्या करवाता है ये मन की संकलक शक्ति को किस तरफ मोड़ना है ये हमारे पर आधार है सुंदर जी तो ये मन धामधनी बता रहे वाणी में भी धामधनी ने वाणी में भी जो गुण फिराए के प्रकरण है उसमें भी बताया है कि लोभ लालच अरुचड़ी लज्जा शरम मन मन की भी बात बताई ने तो ये मन तू ये संसार में जो घूम रहा है ये संसार में जो तू फिर रहा है इससे तू ऐसा कर तेरे को फिरना ही है तेरे को घूमना ही है तो तू परम धाम में घूमने ठीक है एक बंदर को क्या हैबिट होती है उसको क्या आदत होती है चढ़ उतर करने की एक कहीं जगह एक एक स्थान पर वो स्थिर एक सेकंड भी वो रहता नहीं है उसको क्या आदत होती है एक ऊपर नीचे ऊपर नीचे चढ़ चढ़ने उतरने की आदत होती है ने तो उसको क्या दिया जाता है एक सीढ़ी दे दो ना उसको तो सीढ़ी से चढ़ते उतरते चढ़ते उतरते समझ में आया ये कोई बंदर की बात नहीं है हमारे मन की बात है हमारे मन को भी बस धाम धनी के सुख में डुबो दो ने परम धाम के राज्य के स्वरूप श्रृंगार में डुबो दो परम धाम के मान लो के माणे पहाड़ में डुबो दो हे मन तेरे को बस घूमना ही है ने, तेरे को फिरना ही है ने। मन तू अभी तक तृप्त नहीं हुआ है संसार में घूमते घूमते फिरते फिरते तू ऐसा करने, अभी तो तेरे को वा ये वाणी मिली ये तारतम ज्ञान मिला तो हे मन तू कहाँ घूम परम धाम के माणिक पहाड़ के अंदर जो दक्षिण दिशा में माणिक पहाड़ आया है ये माणिक पहाड़ में एक भूम ऊंचे चबूतरे पर बारह हजार हवेलियों की जो बारह हजार हारे आई है बारह हजार मोहलों की बारह हजार मोहल्लों आए हैं और बारह हजार होम तक ऊंचा है एक एक हवेली के अंदर बार बार हजार माहौल है एक एक मोहल्लों के अंदर बार बार हजार मंदिर है एक एक मंदिर के अंदर बार बार हजार कोठरिया है तो ये माणिक पहाड़ को देख अंदर जाके देखे तो बार हजार ऊंचे, अग्यारह हजार नौ सौ अस्सी भोम तक वहाँ से कैसे लोहे की जंजीर में जो झूले लगे हैं, वो झूले में हम रोज कैसे झूलते थे तो तू हे मन तेरे को घूमना ही है वहाँ ही वहाँ ही मन, तो तो घूमने, फिरने मन, सुंदर मन की धाम धनी ने जो बात बताई तो हे मन तू परम धाम के माणिक पहाड़ में और ऊपर जो टापू माहौल बना है वहां तू घूम टापू माहौल के अंदर कई जड़चर जो प्राणियाँ है उसको तू देख उसके साथ तू लीलाए कर तो सुंदर शाह जी ये मन जो है यहाँ बताया कि जो लाभानंद यती है उसकी मन की जो बात करे कि भाई मन की एकाग्र शक्ति से ये किया जाता है उसमें कुछ है नहीं सुंदर साहद जी तो यहाँ मन के बारे में धामदनी ने बताया कि मन क्या है तो कि मन इंद्रियों का राजा है मन क्या है इंद्रियों का राजा है हमारी जो पाँच तन्मात्राएँ हैं ना रूप रस स्पर्श गंध और शब्द ये जो पाँच तन्मात्राएँ हमारी पूरा दिन ये नेत्र बस जितनी देर ये संसार को देखते रहते हैं इतनी देर बस कीचड़ी पैदा करते रहते हैं श्रवण जितनी देर संसार की बातें सुनता रहता है तब तक अंदर विचारें पैदा करता रहता है ये स्पर्श से इंद्रियों की ये भी एक स्पर्श का ही सुख बस जन्मों जन्मांतर से जीव लेता आ रहा है ये जिहिया कितने जन्मों से स्वाद को लेती आ रही अभी भी ये जिहिया तृप्त हुई नहीं है सुंदर सा जी उसमें पांच जो कीट पतंग प्राणी का नाम दिया है कि हरण कान के वशीभूत होकर या मछली जिहिया के वशीभूत होकर या पतंगा रूप को देखकर सुंदर साजी मोहित हो जाता है ऐसे जो पांच है और भमरा सुगंधी को देखकर और हाथी स्पर्श को देखकर सुंदर साजी मोहित हो जाता है जैसे पांचों का तो ये पांच जीव तो एक एक इंद्रियों का उपभोग कर रहे हैं लेकिन मनुष्य ये पांचों इंद्रियों का एक साथ उपभोग कर रहा है तो विचार कीजिए कि हम पांचों का एक साथ उपभोग कर रहे हैं तो हमारी हालत हमारी स्थिति कैसी होगी उसमें भी ये मन हमारा क्या है इंद्रियों का राजा है सुंदर साजी मन की ये जो घोड़ा दौड़ता रहा है दौड़ता रहा है मन की लगाम हमारे हम हाथ में नहीं रखेंगे तो सुंदर शाह जी ये मन तो कभी भी धाम धनी के चरणों में मूल मिलावट तक पहुंचने देने वाला नहीं है इसलिए बार बार बसवानी में डूबिए बार बार मूल मिलावा का ध्यान कीजिए बार बार युगल स्वरूप के स्वरूप में डूबिए तो ये मन की बात धामधनी ने यहाँ लाभानंद यति बताई और आगे हम देखें तो उसने कई प्रयत्न कर लिए लेकिन यहाँ बताया कि पांच देव जहाँ खड़े घर पर्वत उठो नहीं पांच देव जहाँ खड़े यहां से घर पर्वत उठो नहीं मतलब बड़ी बड़ी चट्टाने उठाई बड़े बड़े पत्थर उठाए लेकिन एक कंकरी भी उठा नहीं पाई बोलिए श्री प्राणनाथ क्यों कंकरी नहीं उठी जहाँ पांच देव रक्षा करे मतलब जहां तैतीस करोड़ देवी देवता के नाम पर आज हिंदू समाज पूजा विधि कर रहे हैं ने यहाँ पांच देव क्या बताया शिव सनकादि कबीर महाविष्णु और सुखदेव ये पांच देव जहाँ खड़े हैं और ऐसा ही नहीं जबराइल और अश्राफिल दो भेज दी आमर निगे वानी कीजियो मेरे खासे बंदो पर जहाँ जबराइल का जोशी ब्रह्मात्मा के आसपास घूमता रहता है जहाँ असराफिल की बुद्धि अंदर हमारे अंदर वकीलात करती रहती है जबराइल का जोश वकीलात करता रहता है सुंदर साजी उसके ऊपर किसी का प्रभाव पड़ेगा क्या किसी का तो ब्रह्मात्मा को तो डरना ही नहीं चाहिए उसी को किसी के पास कोई ऐसी तांत्रिक कोई भी मंत्र जाप कोई भी कुछ करने की जरूरत नहीं है क्योंकि धनी ने उस प्रसंग से यही सिखाया कि ब्रह्म सृष्टि के तो आसपास सब देवी देवता भी रक्षा करते हैं और पांच देव जो पांच रत्न ये मोसागर सागर से जो निकाले धाम धनी ने जो बेहद भूमिका में पहुंचे वो भी हमारी आस पास रक्षा करते हैं सुंदर शाह जी ये वाणी में भी चौपाई चो, लिखी के चौदह लोक इच्छे आवेला तमे पामिया सो जेह क्या बताया चौदह लोक इच्छे आवेला तमे पामिया चो जेह जे चौदह लोग के मालिक ये ब्रह्मा विष्णु महेश ये भी ये अवतार ये भूमि ये भरत खंड सुंदर सा जी चाहते हैं और हम इससे डरे चौदह लोग के मालिक ब्रह्मा विष्णु महेश भी यही अवतार यही भूमि पर भारत की इसलिए तो बोला कि भली भूमि भरत खंड की जहा ये निध ने चल बीजी खारी जिमी खारा जलते मोह जल भली भूमि किसको कही गई ये भारत भूमि को तो सा जी यहाँ लाभानंदयति का कोई बस नहीं चला और अपना मौन धारण एकाग्र होकर मौन धारण कर कर बैठ गया उसने बहुत अपना प्रयास कर लिया लेकिन यहाँ धामधनी की छत्रसाया में मोमिन है ये सुंदर साथ है उसका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकते और आगे सुंदर साथ शिव जी शीजी की जब चर्चा भी इतनी जोर शोर इतनी प्रचार से चलने प्रचार प्रसार चलने लगा इतनी प्रभावशाली चर्चा होने लगी पूरे शहर में शोर मच गया तो वहाँ जैसे एक छाते के नीचे मधुमक्खियों जैसे छाते के नीचे मधुमक्खी का एक पुड़ा रहता ने तो वैसे कैसे एक मधुमक्खिया उसके पूरे घेर कर बैठी रहती वैसे ही श्री जी के पास पूरे शहर के लोग आसपास के लोग मधुमक्खियों की तरह आकर घेर कर चर्चा चितवनी और चर्चा सत्संग का सुख लेने लगे अब तक क्यों नहीं ले रहे थे सुंदर साहद जी अब तक क्यों नहीं ले रहे थे सबको लाभानंद यति का डर था तो वहाँ तो बहुत से लोग आए सुंदर जी उसमें बताते हैं यहाँ रामचंद यहाँ राजा राम भाई जानजन भाई राजा राम भाई भंडारी राजन भाई और मकरंद भाई और राम भाई वैश्य कुल के थे अग्रवाल बनिया थे और ये जो तीन परिवार हैं सुंदर जी राजा राम भाई जानजन भाई और मकरंद भाई ये तीनों परिवार अभी धामी मोहल्लों में पन्ना में अभी धामो महल्लों में अपनी उस निवंश परंपरागत अभी भी चल रहा है सुंदर सात जी ये तीनों परिवार में से राजा राम भाई की जो सेवा है उस टाइम पे तो बहुत से सुंदर साथ वहाँ तारतम भी लेते हैं बहुत से सुंदर साथ जुड़ते भी है लेकिन यहाँ धाम धनी ने बताया कि राजा राम भाई की जो सेवा है उस टाइम की ये बहुत प्रमुख सेवा है बहुत मुख्य सेवा है सिरदार सेवा है राजा राम भाई की कि कहाँ तक की तो के 11 साल तक की रहती है 1700 सौ में हम पहुँचे हैं 1732 का समय है बत्तीस का समय यहाँ हाँ सत्रह सौ का समय है और सत्रह तक जब छत्रह साल को पता नहीं होता कि ये पहनने ओढ़ने कमरे का खाने पीने का जीवन निर्वाह का खर्च कहाँ से आ रहा है तो सत्रह तक छत्र तो, साल को पता नहीं है 1740 में श्री जी पहुँच गए हैं पन्ना लेकिन छत्र साल को पता नहीं है तो सत्रह से लेकर आठ साल ये तीन वो ग्यारह साल हो गए तो ग्यारह साल तक तो, राजा राम भाई की ओर से पहनने की ओढ़ने की खाने पीने की जीवन निर्वाह की तमाम संपूर्ण चीज़ वो राजाराम भाई की ओर से जाती है सुंदर साज जी और वहाँ छत्र साल को जब पता लगता है तब लिखते हैं कि मोमिन लिखे मोमिन को कहो तो आवे इत ऐसा समय आया सख्त लिखते हैं ना वहाँ से फिर पत्री कि भाई श्री जी अब हम सेवा संभाले अभी तक मैंने आपकी कोई पहचान नहीं की थी वो बुवन में रुठ जाते हैं फिर बल दीवान काका आते हैं तो ये बात तब तक की है सुंदर साज की कि वहाँ जाके वहाँ वहाँ जा जाने तक ग्यारह साल तक की सेवा ये राजा राम भाई संभालते हैं और राजा राम भाई की दिक्री जो ललिता अभी हमने किरंतन भैया के मुखारविंद से सुना जो उसकी बेटी राजा राम भाई की लड़की जो ललिता सखी ललिता सखी यहाँ सुंदर साजी धामधनी के साथ चल पड़ती है पूरे कारवा में कहाँ तक तो के अंतिम प्रणाम कर लेती है घर में से राजा राम भाई और जानजन भाई को तो श्री जी ने मना किया कि भाई तुम यहाँ रहो यहाँ से खाने पीने ओढ़ने पहनने का जो सब कुछ खर्च है यहाँ से आपको भेजना है जो आप साथ में चलोगे तो सबका पाँच हजार की जमात का जीवन निर्वाह का खर्च कहाँ से आएगा तो वो लोग वहाँ रहते हैं सुंदर जी मेड़ता में ही रहते हैं तो आज भी सुंदर जी राजा राम भाई जानजन भाई के परिवार का सुंदर जी वहाँ नाम लिया जाता है और आज भी धामधनी को जो भोग लगाया जाता है पन्ना में चाहे बंगला जी घूमर जी चाहे कोई भी मंदिरों में तो पहला प्रसाद राजा राम भाई और जानजन भाई के परिवार को पहुँचता है बोलिए श्री प्राणनाथ राजन भाई और राजा राम भाई और जाजन भाई के परिवार को पहुंचता है इतनी बड़ी इस ब्रह्मांड में सेवा की ये सेवा तब तक अखंड ध्यान से सुनना ये सेवा तब तक अखंड रहेगी कि यह ब्रह्मांड रहेगा ने ब्रह्मांड रहेगा ये घूमर जी बंगला जी रहेगा तब तक सुंदरसा जी ये ब्रह्मात्मा इस संसार में रहेगी तो कब तक ये शकुंडल ये सकुमार जब तक नहीं जगेगी तो शकुंडल तो जग गई लेकिन सकुमार नहीं जगेगी तब तक ये राजा राम भाई और जाजन भाई को पूरे हमारे जानन सम्प्रदाय नहीं आने वाले टाइम में पूरे संसार याद करेंगे उसको तो ये सेवायां अखंड की गई और जो ललिता सखी ललिता सखी सुंदर साजी उसकी जो बेटी है वो भी यहाँ से जुड़ गई और अपना जो तन मन सब कुछ वो कैसी थी अब ने हमने किरण तन सुना ने वारी रे वारी मेरे प्यारे वारी रे वारी जय जिमी से कोई निक्या सुंदर सा जी गाएंगे तो ज्यादा देर लगेगी कुब कुचल कठिन कठोर नारी सुंदर सा जी धनी जी मेरे अंतिम बोल दिया कि धनी जी मेरे कायम सुखकारी ललिता कोटबेर कुर्बानी क्या बोला ललिता कोटबेर कुर्बानी धनी जी मेरे कायम सुखकारी यहाँ बताया कि हे मेरे धाम के धनी मैं आप कर मेरा तन मन और जीव में सब कुछ क्योंकि धन तो अपने पिताजी ने वार दिया ने तो तन मन और जीव धन तो अपने पिताजी ने वार दिया तो मैं अपना सब कुछ आप पर वार रही हूँ सब कुछ आप पर बलिहारी कर रही हूँ सब कुछ आप पर कुर्बान कर रही हूँ और इतना ही नहीं सुंदर साजी वो कैसी थी काली कलुठी जो कुबड़ी थी जैसे द्रापर में एक कुबजा सखी का कुबजा सखी को कृष्ण जी के स्पर्श से सुंदर सुंदरी बनाती थी, थी ने तो ऐसे यहाँ एक दिन श्री जी जब स्नान कर रहे हैं वहाँ से ललिता सखी एक दिन पसार हुई तो श्री जी ने ऐसे एक लल, ललिता सखी पर जल के लोटे से एक छीट डाली जल का लोटा डाला मतलब छीट डाली तो छीट से वो सर्वांग सुंदरी बन गई साजी ललिता सखी क्योंकि जिसके अंदर पांच शक्ति बैठी है सिराज जी के जोश आवेश और श्यामा जी की आत्मा अक्षर की आत्मा और अश्राफी की बुद्धि तो उसके लिए कोई काम अशक्य नहीं था तो ये सर्वांग सुंदरी बन गई और ये ललिता सखी सुंदर सा जी कहाँ तक साथ निभाती है अंतिम में कि अपना अंतिम तन वो घर से निकल जाती है पन्ना में छोड़ती है श्री जी के चरणों में अंतिम श्वास छोड़ती है सेवा करते करते उसकी सेवा क्या था पता है खम्मा मारा धनी ने खम्मा मारा जब भोग आते थे ना बाई जी वहाँ से आई जी जब आई जी की माता जी आई जी जब भोग लेके कोठा मंदिर से आती थी ना तो बस ललिता सखी का एक ही काम था कि खम्मा मारा राज ने खम्मा मेरे धनी को खम्मा मेरे राज को बस इतना ही बोलना और बस ललिता सखी का यही रहता था सुंदर साज जी तो ललिता सखी की और भी सेवाई मार रही होगी तो ललिता सखी ने अपना अंतिम श्वास पन्ना में ही छोड़ा ऐसी एक ललिता सखी की भी लीला गठित हुई और तीसरी लीला श्री जी एक दिन रास्ते में जा रहे हैं तो रास्ते में मस्जिद के मीनारे पर चढ़कर एक मुल्ला अजान दे रहा है क्या दे रहा है बांग पुकार रहा है अजान मतलब बांग पुकार रहा है कबीर ने भी अपनी एक दोहा में लिखा है कि मस्जिद चढ़कर कर मुला बांग पुकारे खुदा तेरो क्यों बेहरो है चीटी के पेर नोबत बाजे सोई खुदा सुन तो है क्या बताया कबीर ने कि मस्जिद चढ़कर मिला मुला बांग पुकारे खुदा तेरो क्यों बेहरो है हे मुला तो मस्जिद के मीनारे चढ़कर क्यों बांग पुकार कर रहा है मतलब वहां से क्यों बांग पुकार रहा है तो तेरा खुदा क्या बेहरा है तो वहाँ चढ़कर पुकारना पड़ता है तेरे को बताया कि चिट्ठी के पैर नौबत बाजे चिट्ठी कितनी सी छोटी होती है उसकी पैर कितने छोटे होते हैं उस पैर से नौबत बांधो और चले तो नौबत भी बजती है ना? तो ब, बोला कि भाई चिट्ठी के पैर नौबत बजे इतनी छोटी सी चिट्ठी उसके पैर में नौबत बजे बांधे वो बजे वो भी खुदा सुनता है तो तेरे खुदे के चिट्ठी के पर नौबत बाजे सोई खुदा सुनता है वो भी खुदा तो सुन लेता है तो तू मस्जिद के मीनारे पर चढ़कर बांग क्यों पुकार कर रहा है तो यहाँ बताया कि मैं इसलिए पुकार कर रहा है वहाँ अजान इसलिए दे रहा है मस्जिद के मीनारे पर चढ़कर कि रास्ते में जो कोई राही चल रहा है तो वो भी खुदा ताला अल्लाह ताला की पहचान कर ले राही भी इसलिए मस्जिद के मीनारे पर चढ़कर मुला बांग पुकार कर रहा है तो श्रीजी ने यह बांग को सुना ये बांग सुनते ही अंदर से सीधे ही सोचने लगे विचारने लगे कि यह शब्द तो हमारे हैं मतलब बांग मुला ने क्या पुकारा जान क्या दी तो ला इला इनमुद्रशिल्ला क्या बोला ला इल्ला, इन मोहम्मद इल्ला जब ये बोला ने जब उसने तो रास्ते में श्री जी ने ये बांग को सुना तो अंदर से विचार करने लगी ये यही तो शब्द हमारे है जो सदगुरु धनी देव चंद्र जी कहते थे कि सदगुरु धनी देव चंद्र जी क्या कहते थे कि भाई कुरान को समझने के लिए मैंने तो बहुत ही प्रयत्न किए लेकिन ये सरयती जो कर्मकांडी ये मुसलमान लोगों ने शरीय तरीक़त को मानने वाले मुसलमान लोगों ने ये कुरान मेरे को हाथ में आने नहीं दिया तो हे मिहिराज हे इंद्रावती की आत्मा ये कुरान का भेद तुझसे खुलेगा ये कुरान का भेद तुझसे खुलेगा तो तो ये तो शब्द यही है मतलब क्या सुना उसने ला तो कहिया नाही को इल्ला कहिया अक्षर इन इल्ला कह अक्षरातीत को ला तो कया नहीं को इल्ला कया अक्षर मतलब अखंड और इन इल्ला कया अक्षरा तीत को ये तो हमारा ये तो दोनों समांतर है मतलब ये जो हम क्षर अक्षर और अक्षरा तीत कहते हैं ये लोग कतेब में ला इल्ला इन इल्ला कहते हैं तो बात तो दोनों की समान ही है दोनों में कोई भेद है ही नहीं ये यहाँ सोच रहे हैं फिर बताया कि भाई सदगुरुदानी देवचंद्र जी बताते थे, थे कि भाई कुरान में ऐसा लिखा है कि भाई ये जो परमधाम से मतलब अरसे आज़िम चौथे लाहूत आसमान से ये नासुत मतलब ये मृत्युल ऊपर ये मलकुत वैकुठ ऊपर जबरुत अक्षरधाम और लाहूत अक्षर परमधाम ये नासुत छोड़कर ये मलकुत छोड़कर ये जबरुत छोड़कर जो चौथे आसमान लाहूत से कोई आएगा और कौन आएगा तो कि खुदा का बंदा के सिवा कोई ये ऐसी बात नहीं कर सकते तो ये खुदा का कोई बंदा ही होगा और ये कुरान में कोई खुदा का खुदाई की बात लिखी है तभी तो ये मस्जिद में मुला बांग पुकार कर रहा है क्योंकि कुरान में लिखा हुआ था कि भाई ये पांचों अद्वैत में जो वाणी में भी लिखा ने कि पांचों अद्वैत में एक है श्री जी श्यामा जी सखिया अक्षर ब्रह्म और लक्ष्मी जी पांचों अद्वैत में एक है वहां तो खुदा वाणी में लिखा है ने कि वहां तो खुदा ताला मतलब राज जी सखिया श्यामा जी के सिवा तो कोई है ही नहीं तो ये तो हमारे हिंदू के अंदर आया है तो हिंदू के अंदर ये आया ठीक है तो कतेब में भी हमारी साक्षियाँ होनी ही चाहिए तभी ये मस्जिद में मुला बांग पुकार कर रहा है तो सुंदर शाह जी यहाँ बताया कि यहाँ लो इसे का इलम यहाँ लो इसे का इलम मतलब यहाँ जब इसे का इलम बताया कि यहाँ तक तो वेद पक्ष का ज्ञान चालू अभी तक चालू था मतलब चल रहा था कहाँ तक तो के मेरते तक अभी कते परंपरा का ज्ञान भी शुरू हो गया कहाँ से मेरता से क्योंकि धाम धनी ने पहले से ही मेरता से कते परंपरा का ज्ञान शुरू होगा ये पहले से मूल मिलावे से ही मूल स्वरूप ने दिल में ले लिया था तो यहाँ को यहाँ लो इससे का इलम मतलब यहाँ तक सतगुरु धनी देवचंद्र जी के चौथे दिन में ली होने वाली लीला का जो ज्ञान वेद पक्ष का ज्ञान हिंदू पक्ष का ज्ञान था वो सदगुरु धनी देवचंद्र जी कहीं भी नहीं गए वो पांचवें दिन में महामती के धाम दिल में बैठकर कर यहाँ बताया कि यहाँ लोईश्य का इलम और आगे बताया कि एक दिन कहे आदम और मोहम्मद सो मिल चले एक दिन कहे आदम तो सुंदर शाह जी यहाँ तक तो वेद पक्ष का ज्ञान था अभी कते पक्ष का ज्ञान आ गया मतलब अक्षर की आत्मा भी आ गई यहाँ अब तक हम अम, अभी हमारे समाज में कई भ्रांतियाँ भी हैं ना कि भाई आ, पहले ब्रज में तो राज जी के आवेश और अक्षर की आत्मा आई थी दूसरे दिन में भी राज्य के आवेश और अक्षर की आत्मा आई थी और तीसरे दिन में भी हमारे समाज में कहीं कहीं कहते हैं कि भाई तीसरे दिन में भी राज्य के आवेश और अक्षर की आत्मा नहीं तीसरे दिन में राज्य के आवेश नहीं आए थे राज्य के सिर्फ जोश आए थे और अक्षर की आत्मा आई थी और सुंदर शाह इसलिए तो बताया कि रसूल आया हुक्मे तब नाम धराया गेन हुकम बजाये पीछा फिरिया तभी सोई एन का एन हुकम के अमल में ना कोई उतरे मोमिन तो हुकल के अमल में ना कोई उतरे मोमिन तो हकीकत और मार्फत की कौन आगे करे बयान सुंदर जी हुकम के अमल में ना कोई उतरे गिरो इत आई नहीं तो यो करी शरत कहिया खुदा मित आउशी फरदा रोज क्या मत ये तीनों चौपाई जब वाणी के आधार पर बताई गई कि हुक्म के अमल में मतलब तीसरे दिन में जब मोहम्मद साहब आए तभी राज्य का आवेश नहीं आया था उसका जो अक्षर की आत्मा आई थी उस टाइम पे क्योंकि जो राज्य का आवेश आया होता तो तो श्यामा जी भी आई होती और श्यामा जी आई होती तो ब्रह्म सृष्टियाँ भी तभी आई होती तो अरब की धरती पर क्या हम आए थे नहीं आए थे ने तो सुंदर शाह जी अरब की धरती पर हम आए नहीं थे तो यहाँ बताया कि अभी अक्षर की आत्म तीसरे दिन में आई तो तीसरे दिन में तब श्यामा जी सखिया हम आए नहीं थे तो वाणी उतारने की क्योंकि कोई ज़रूरत नहीं थी सुंदर शाह जी तो यहाँ अक्षर की आत्म भी अंदर आ जाती है मतलब मोहम्मद साहिब की शक्ति भी अंदर मिल जाती है तो मेरता से वेद और कतेब मतलब दोनों पक्षों सामी और हामी दोनों विचारधाराओं को हिंदुओं को हिंदुओं के पक्ष और मुस्लिमों को मुस्लिमों के पक्ष हिंदुओं को तारतम से मुस्लिमों को कलमा से समझाने का और एक पक्ष के नीचे मतलब एक झंडा के नीचे दोनों पक्षों को एक झंडा के नीचे दोनों पक्षों को समझाने का सुंदर जी हमारे पास यही ज्ञान सुंदर शाह जी आए गया कि जैसे मोहम्मद साहेब की आत्मा जब अरब की धरती पर आई तो जब म्यारा जुआ उसको चौथे आसमान लाहौत में पहुँची बैठी थी तो अरब की धरती पर रुजू किया और फिर जहाँ बैठी तो बैठे मोहम्मद साहेब तो वहाँ बैठक गर्मी भी ना टरी मतलब जहाँ बैठे थे वो गर्मी भी अभी कम नहीं हुई थी तब तब तो नब्बे हज़ार सुन के वो वापस आ गए चौथे आसमान लाहूत में पहुँच कर रूब रूब खुदा ताला के सामने पहुँचे और पहुँचे तो जमुना जी तक वहाँ से बोला के वहाँ से मेरे पैर नूर तजिल्ला की तजल्ली जलावत मेरे पर जलावत मेरे पर क्योंकि वहाँ से मेरा पर जल रहा है मसलम मैं आगे नहीं जा पा रहा हूँ वहाँ से रफ़ रफ़ के तखत आए और इश्क रूपी तखत मोहम्मद साहेब की आत्मा को अंदर लेके गया और रंग मोहल में गया मूल मिलावे तक वहाँ पहुँचे और मूल मिलावे जब गए तो श्यामा जी के स्वरूप वो बन गए सुंदर शाह जी और दो कमान के बीच में एक बाण के बीच में कितनी दूरी रहती इतनी दूरी खुदा ताला और अक्षर की आत्मा की बीच की रही और नब्बे हज़ार हरफ़ उसने रूब रूब बातें भी की सुंदर शाह जी और वहाँ से बातें लेकर जब वापस लौटा रंग से धाम दरवाजों को छोड़ा तो पीछे जब आया तो बताया कि हुक्म बजाए पीछा फिर या तो सोई एन का एन तो पीछे उसने मेहराब धाम दरवाजे पर क्या देखा उसने सिर्फ मेहराबे देखी बाईस मेहराबे बनी है ने तो बाईस मेहराबे देखी उसमें से मेहराब याद रह गई तो आने के बाद जब उसने नदी के यारों ने पूछा कि भाई तुमने दर्शन में म्याराज में क्या पाया तो उसने बोला कि बस मैंने मेहराबे देखी है तो आज उसकी मस्जिदों में जो मेहराबें लगी रहती न तो और सब कुछ भूल गए समझ में आया इसलिए बताया कि सोई एन का एन तो मेरा जो मेहराबें देखी तो ये मेहराब आज उसकी मस्जिद में रहती है और वहाँ मुल्ला सुंदर सा जी नमाज़ पढ़ते हैं और उसके बाद यह आने के बाद ये नब्बे हज़ार अरफ में से बताया कि त्रिस तुम शरीयत तरीक़त के जाहिर कर देना त्रिस जो पात्र हो उसको दे देना और त्रिस मेरे लिए छिपा के रखना आखिर दरवाजे खोल सी बक्का से हम आए सुंदर शाह जी बताया कि त्रीस हजार ऐसे हरफे है जो ये मैं आखिर में आकर मैं स्वयं खोलूँगा तो त्रीस हजार शरियत तरीक़त के जाहिर किए कुरान में और त्रीस हजार जो मुक्तियात बार बारह मुक्तियात के जो अर्फ है वो छिपा के सुंदर शाह जी रखे जो पात्रता थी वो मलकी स्वरूप ने जो उसको दिया वो त्रीस हज़ार ऐसे थे जो खिलवत परिक्रमा सागर श्रृंगार और मार्फत सागर के जो वचन थे सुंदरसा जी वो आके अपने स्वयं श्री धनी राज जी ने आके खुदा ताला अल्लाह ताला ने खोला तो ये बात यहाँ बताई तो यहाँ लोग कतेब की चर्चा में न सीत तो, कल्मा से हासिल भैया मोहम्मद मत्ता इत तो यहाँ आगे और भी बताया कि यहाँ तक कतेब की चर्चा में चित नहीं था मतलब कतेब पक्षी चर्चा के श्री जी के मन में पक्ष की चर्चा का अभी मन में नहीं था लेकिन मेरता में जब पहुँचे तो श्री जी को भी लगा कि नहीं अब और आगे औरंगजेब बादशाह को समझाने के लिए और उसको क्यामत संबंधी और इमाम मेहंदी आ चुके हैं ये बात बताने के लिए आगे क्या करना है ये बात आज आज हमारे लिए ये मस्जिद में जो मुला ने बांग पुकारा उस बातों से ये आवाज़ आई और अंदर से एक इलाहम भी संदेश भी मिला कि नहीं यही हमारी बात है कि तो सुंदर जी यहाँ ऐसा नहीं कि श्री जी जब मेरता में पहुँचे तभी अक्षर की आत्मा आई अक्षर की आत्मा तो जब श्यामा जी इस संसार में चौथे दिन में आई तभी भी अक्षर की आत्मा उसके अंदर आ गई थी लेकिन समय समय पर पर यह शक्तियाँ जाहिर होती गई समय समय पर यह शक्तियाँ जाहिर होती गई लेकिन श्री जी के अंदर तो पाँच ही शक्तियाँ विराजमान थी लेकिन मूल स्वरूप ने जब मेरता में पहुँचे तभी ये ज्ञान को जाहिर करना था ये मूल स्वरूप ने पहले से मूल मिलावे से दिल में ले लिया था इसलिए सुंदर साज जी वाणी में बत बताया कि बढ़िया नहीं फारसी ना हरस सुने कान पढ़िया नहीं फारसी ना, ना हरफ अरब ना सुनिया कान कुरान को तो मायने खोले सब पढ़िया नहीं फारसी ना हरफ अरब सुनिया नहीं कान कुरान को तो मायने खोलत सब सीजी जी को कोई अरबी भाषा फारसी उर्दू पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है जो सब ज्ञान धारा उतारने वाले ही। उसके हुक्म से ही तो सब ज्ञान धारा नीचे उतरी है कहने वाले भी वो है तो उसके अंदर अभी नहीं आया पहले ही था लेकिन जिस टाइम पे जो शक्ति को जाहिर होना था उस टाइम पे वो शक्ति जाहिर हुई तो सुंदर साजी तो पहले जो आई अरब की धरती पर वो बसरी मोहम्मद मोहम्मद को किसको कहा जाता है जिसकी महिमा अपरम पार है जिसकी महिमा अनंत है जिसकी शोभा अनंत है उसकी बराबरी कोई नहीं कर सकता उसको कह जाता है महमद मोहम्मद मतलब जो अरब की धरती पर आए उसका नाम महमद नहीं था उसका नाम था मुस्तफा बेग लेकिन उसको मोहम्मद इसलिए कहा गया कि उसके अंदर अक्षर की आत्मा आई और कुरान के अंदर समय समय पर फिर जबराइल का जोश आता गया और समय समय पर आयतें उतरती गई और त्रीस हजार शरीय तरीकत के जो भी लिखते भी लिखने से कुरान तैयार किया गया और सुंदर जी यहाँ जो बात बताई गई कि पहले बसरी सूरत अरब की धरती पर आए वो बसरी मोहम्मद और बाद उसके बाद जो यहाँ श्यामा जी आई जामनगर नवानगर नौतनपुरी में हो मलकी मोहम्मद और उसके बाद हक्की मोहम्मद महामती श्री प्राण जी सुंदर सा जी उसको मल्की मोहम्मद कहा गया महामती उसकी आत्मा की शोभा है ये बात जब श्री जी ने सुनी वो जब अपनी हवेली पे आए तो लालदास जी ने को बताया कि हे लालदास आज मैंने एक बात को पाई एक बात मैंने पाई है जो हिंदू कहता है जो हिंदू कहें हम उत्तम मुसलमान कहे हम पाक दोनों मुट्ठी एक ठोर की एक राख दूजी खाक जुदे जुदे नामे गावही जुदे जुदे, जुदे भेष अनेक कोई झगड़ो आप में धनी सबों का एक तो बात तो सबकी एक है लेकिन आज लोग अलग अलग जो नामों नाम जाति वेशभूषा और नाम और अलग अलग जो कर्म कांडों की भिन्नता के कारण आज खूनी संघर्ष जो आज संसार में हो रहे हैं तो आज औरंगजेब बादशाह को जगाने के लिए हे लालदास मैंने एक बात पाई है तो सी जी ने सी जी को पूछा लालदासी ने तो लालदासी बोले कि सी जी मेरे को बताओ तो आज लालदासी को भी सी जी ने ये बात बताई सुंदर शाह जी ये बात जानने के बाद दोनों इतने खुश अंदर से आनंदित हुए और आगे और कल कैसे आगे औरंगजेब की जागनी करनी है और हरिद्वार के कुम्भ के मेले में हल कल हम सुंदर शाह जी कैसे पहुँचे ये बात हम कर लेंगे बोलिए श्री प्राणनाथ श्री सतगुरु इत मोहम्मद सो मिल चले तब अहमद पाया खिताब ईसा और मोहम्मद मिले मारे दजाल सिताब मारे दजाल सिताब बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे श्री सतगुरु महाराज